दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं संजय नटवाड़िया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। अपन ने जैसे देखा कि अपन लास्ट वीडियो में चुंबक के गुण पढ़े थे, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आवर्ती गुण। एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे IIT हो, चाहे अपने पास में नीट हो, चाहे अपने पास में ICR हो, BHU हो, या अकॉर्डिंग बात करें अपन जेट के एग्रीकल्चर के लिए तो जेट का एग्जाम लगता है, तो उसमें 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पुटअप किए जाते हैं। आवर्ती गुण, इनको बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन आवर्ती गुणों में सबसे पहले अपने पास में जो आता है कि आवर्तिता, जो मैंने पहले अपन ने एक वीडियो में बात की थी, आवर्तिता दर्शाने का कारण बताया था मैंने, समान बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इन आवर्ती गुणों में अपन पास स्पष्ट आवर्ती जो प्रॉपर्टी आती है वो है आकार यानी कि साइज। आकार या साइज की बात करें तो लगभग बात की जाए इसके अंदर तो 2 या 2 से अधिक समान परमाणु की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? समान, यानी समान परमाणु को जब आपस में जोड़ा जाता है या जुड़ी हुई कंडीशन होती है, जैसे ये 2 परमाणु है अपने पास में, समान परस्पर बंधित परमाणु है 2, इन समान परस्पर बंधित परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को, ये अंतर्नाभिकीय दूरी हो गई, यानी ये व्यास हो गया, व्यास का D/2 कर दिया जाए तो यहाँ से क्या निकल के आती है? त्रिज्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है? त्रिज्या। तो 2 समान परस्पर बंधित परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और अपन मोस्टली यहाँ पर 3 त्रिज्याओं की बात करेंगे। 3 त्रिज्या कौन कौन सी? सबसे पहले बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, जिसको लिखेंगे कोविलेंट। इसके बाद में आएगी अपने पास वॉन्डरवॉल त्रिज्या, जिसको लिखा जाएगा RVD। एक अपन बात करेंगे धात्विक त्रिज्या की, जिसको लिखा जाता है RMetallic। देखो दोस्तों, मैं बात करूं तो धात्विक त्रिज्या की अगर बात करें, धात्विक त्रिज्या यानी धात्विक परमाणु क्या होता है कि 2 धात्विक परमाणु आपस में एक दूसरे को टच करके रहते हैं, यानी एक दूसरे को टच करेंगे। ये वाली कंडीशन है, ये RMetallic को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी धात्विक त्रिज्या को ही रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि अपन बात करें सहसंयोजक में, तो सहसंयोजक परमाणु क्या होते हैं कि अपने कुछ भाग को, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है कि परमाणु क्या करते हैं, अपने कुछ भाग को ओवरलैप कर लेते हैं, यानी कि ये 2 परमाणु हैं, ये अपने कुछ भाग को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। तो ओवरलैप कर लेंगे तो इनके नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए, इसका आधा कर दिया जाए तो D/2, यानी अपने पास क्या आ जाएगी? R covalent आ जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो धात्विक और ये कोविलेंट है, जबकि वॉन्डरवॉल में क्या होता है कि ये गैसों के अंदर पाई जाती है, और गैसें क्या होती है? गैस के अणु या परमाणु की बात की जाए तो अणु परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर पाए जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन आ जाती है आर वॉन्डरवॉल में, यानी कि एक परमाणु यहाँ होगा तो दूसरा परमाणु कहाँ है? यहाँ है। तो इन दोनों के बीच की त्रिज्या की बात करेंगे।
अब बात की जाती है तो यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो ये होता है कि इनकी त्रिज्याओं का क्रम। अगर त्रिज्याओं के क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है वो होती है आर वॉन्डरवॉल, इससे छोटी होती है अपने पास में आर मेटेलिक, और इससे छोटी कौन सी होगी आर कोवेलेंट। यानी कि सबसे बड़ा जो त्रिज्या होगी वो अपने पास वॉन्डरवॉल होगी, उससे छोटी अपने पास धातु होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी कोवेलेंट होगी। तो ये तो नॉर्मल उदासीन परमाणु में बात हो गई। अगर अपन आयनों में बात करें तो आयनों में अपने पास में एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो इनकी त्रिज्या की बात की जाए तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, उदासीन से। जबकि उदासीन परमाणु त्रिज्या जो है वो किससे बड़ी होगी, धनायन से बड़ी होगी। यह सबसे छोटी त्रिज्या जो होती है वो धनायनों की होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, ऋणायनों की। जबकि उदासीन परमाणु त्रिज्या इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। त्रिज्या का क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, वॉन्डरवॉल, उससे छोटी मेटेलिक, उससे छोटी कौन सी वॉन्डरवॉल। जबकि आयनों में बात करें तो आयनों में सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है वो ऋणायन की होती है और सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, धनायन की होती है। क्यों होती है उसका रीजन मैं बता देता हूं। जैसे अपन बात करें कि धनायन, जैसे मैंने सोडियम ले लिया तो सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का विन्यास लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। कितने कोश हो गए, तीन कोश हो गए, यानी ये इसका नाभिक है, ये प्रथम कोश हो गया, ये द्वितीय कोश हो गया और ये क्या हो गया, तृतीय कोश हो गया। ये उदासीन परमाणु है। कौन सा परमाणु है, उदासीन परमाणु। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन को हटाने के पश्चात मेरे पास क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। और धनायन बनेगा तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी, ये एक कोश, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या बना, Na+। Na+ का विन्यास क्या हो गया, अब मेरे पास में ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, यानी एक कोश ये हो गया और दूसरा कोश ये हो गया, ये क्या हो गया अपने पास में Na+ बन गया। अब देखो उदासीन परमाणु में तीन कोश थे जबकि धनायन में कितने कोश बचे हैं, दो ही कोश बचे हैं। तो यानी कि धनायन में दो कोश बचे तो इसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, और उदासीन परमाणु क्या हो गया, बड़ा हो गया। जबकि ऋणायन में क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, अतः प्रतिकर्षण होने के कारण आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, क्वेश्चन भी ये बन जाए कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्यों। तो संभावनाएं क्या होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन हट जाने के कारण प्रतिकर्षण में कमी आती है, दूसरा कोष भी विलुप्त हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोष क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। त्रिज्याओं के क्रम में सबसे बड़ी त्रिज्या होगी किसकी, ऋणायन की, उससे कम होगी उदासीन परमाणु की, और सबसे कम छोटी त्रिज्या किसकी होगी, धनायन की होती है। इसके पश्चात अपन बात करते हैं तो इसकी इकाइयों की। तो इकाइयों में बात की जाए दोस्तों, अगर मैं इकाई की बात करूं, त्रिज्या की इकाई या आकार की इकाई, तो उसको मापा जाता है या तो एंगस्ट्रॉम लेवल में या किस में मापा जाएगा, पिकोमीटर। जैसे अपन बात करें, अब ये एंगस्ट्रॉम पिको में कई बार किसी प्रॉब्लम्स होती है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर के, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10^-12 मीटर के, और कई बार नैनोमीटर की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर के इक्वली पाया जाता है। एक और इकाई होती है, जैसे नाभिक को, इकाई को, नाभिक के आकार को मापा जाता है, नाभिक का आकार जो है वो मापा जाएगा अपने पास में फर्मीमीटर में, कौन से मीटर में, फर्मीमीटर में, और एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10^-15 मीटर। एक फर्मीमीटर बराबर कितना होगा, 10^-15 मीटर। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार से कितने गुना बड़ा होता है, क्वेश्चन क्या था, परमाणु का आकार नाभिक के आकार से कितने गुना बड़ा होता है। तो इससे बात की जाए तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपन लेंगे किसका, परमाणु का आकार, और बटे में किसका ले लेंगे, नाभिक का आकार।
सिंपल सा है। अब परमाणु का आकार इकाइयां, जब भी किसी क्वेश्चन में सोल्व किया जाता है तो इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन एंगस्ट्रोम यानी कि परमाणु का आकार मापा जाता है किसमें, एंगस्ट्रोम में, जबकि नाभिक का आकार किसमें मापा जाता है, फर्मी में। तो इनमें रख नहीं सकते, फिर किसमें रखेंगे, मीटर में। तो परमाणु का आकार 10^-10 मीटर बटे में क्या हो जाएगा, नाभिक का आकार कितना है, 10^-15 मीटर है। तो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, यानी 10^-10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10^15 से, यानी कितने गुना हो गया, 10^5 गुना, यानी कि मैं कह सकता हूँ 100,000 गुना हो गया। सही बात है नहीं, कि परमाणु का आकार जो है वो नाभिक के आकार से 100,000 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, परमाणु का आकार किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रोम में, जबकि नाभिक का आकार किसमें मापा जाता है, फर्मी मीटर में मापा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है सबसे बड़ा आकार आवर्त सारणी में, मैक्सिमम साइज इन पीटी, मैक्सिमम साइज इन पीटी, पीटी का मतलब हो गया पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, मैक्सिमम साइज यानी सर्वाधिक आकार किसका होता है, पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक आकार किसका होता है, तो वो ध्यान रखना है आपको, किसका रखता है, सीजियम, और सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा अपने पास में, हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ये, कि मैक्सिमम साइज इन पीटी वो किसकी होगी, सीजियम की होगी। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं कंपेरिजन की, तुलना की। तो तुलना करें, तो तुलना करते हैं, तो पहले अपन बात करते हैं, अपन तीन स्टेप्स में तुलना करेंगे। सबसे पहले तुलना करेंगे अपन किसमें, आवर्त में। जब आवर्त में तुलना की बात की जाती है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बता देता हूं आपको, कि आवर्त में जो आकार है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है जेड इफेक्ट के। और दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जेड इफेक्ट के लिए बात की जाए तो जेड इफेक्ट सामान्यतः बात करें तो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रभावी कारक जो होगा आवर्त में वो कौन होगा, जेड इफेक्ट होगा, और बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, सॉरी आकार जो है वो जेड इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आकार जो है वो जेड इफेक्ट के क्या होता है, व्युत्क्रम। करेक्शन हो सकता है इसमें, कर लोगे ना, अच्छा को आ रहा है जल्दीबाजी में बताएंगे धनी। तो आकार जो है वो जेड इफेक्ट की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी सीधी सी बात है, यहाँ से जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार में लगातार क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें लिथियम बेरिलियम में, सेकंड आवर्त की बात कर लेता हूँ, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियोन, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है आकार किसके व्युत्क्रमानुपाती, जेड इफेक्ट के, जेड इफेक्ट बढ़ेगा आकार में क्या होगी, कमी होगी। एक जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि एक आवर्त में सर्वाधिक आकार, एक आवर्त में सर्वाधिक आकार वो किसका होता है, अक्रिय गैसों का, किसका होता है, अक्रिय गैसों। रीजन पूछा जाता है इनमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वैन डर वाल त्रिज्या पाई जाती है। तो वैन डर वाल त्रिज्या पाई जाने के कारण इनका आकार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब बात करें, ये अपने पास में एक आवर्त है, इस आवर्त में अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी कि बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं ओर जाऊंगा तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यानी कि लिथियम से छोटा आकार किसका, वो लिथियम से छोटा किसका, बेरिलियम का, बेरिलियम छोटा बोरोन, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन, यानी कि सबसे छोटा आकार किसका हो गया, फ्लोरीन का। लेकिन ये पूछा कि नियोन का आकार क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं, एक आवर्त में सर्वाधिक आकार किसका होता है, अक्रिय गैस होगा, यानी सर्वाधिक आकार किसका होगा, नियोन का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, वैन डर वाल त्रिज्या, सही बात है नहीं, और वैन डर वाल त्रिज्या आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रिज्या है, तो अक्रिय गैसों का आकार भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आकार में लगातार क्या आती है, कमी आती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। एक हेलोजन तत्व जो है इनका आकार अपने आवर्त में, हेलोजन तत्वों का आकार अपने आवर्त में सबसे कम होगा,
क्यों होगा? क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है प्रबल सहसंयोजक तेजा, और सहसंयोजक तेजा सबसे छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी, तुलना कर रहे हैं अपन किस में, आवर्त में। तो आवर्त में सबसे आकार जो होता है वो जेड फेट की होता है व्युत्क्रमानुपाती, बाएं से दाएं जाने पर जेड फेट क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, तो आकार में लगातार क्या हो जाएगी, कमी। एक आवर्त में सर्वाधिक आकार किसका होता है, अक्रिय गैस होगा। आवर्त सारणी में पूछा जाए कि सर्वाधिक आकार किसका होता है, तो किसका होता है, सीजियम का होता है। इसके बाद में अपन तुलना करते हैं अब नेक्स्ट वर्ग में, बात की जाए दूसरी तुलना वर्ग में, तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्ग में जो आकार है वो समानुपाती होता है कोसों की संख्या के, यानी सीधी सी बात है वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे तो कोसों की संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती है। कोसों की संख्या लगातार बढ़ेगी तो आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। कोसों की संख्या बढ़ने पे आकार भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो दोस्तों, जैसे अपन ने बात करें, मैं वर्ग ले लिया लिथियम, फर्स्ट वर्ग ग्रुप ही ले लिया मैंने, फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। प्रासेसियम एक रेडियो एक्टिव है, सो नॉट डिस्कस। लिथियम की बात की जाए, लिथियम 1s, वो सॉरी मतलब यहाँ हाइड्रोजन लिथियम 2s, 3s, 4s, 5s और क्या आ जाएगा, 6s। इसमें कितने कोस हो गए, दो, यानी एक और दो। इसमें कितने कोस हो गए, तीन हो गए, एक दो और तीन। इसमें कितने कोस आ जाएंगे, चार, यानी कि नाभिक हो गया, एक दो तीन और चार। तो देखो जैसे जैसे कोसों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कोसों की संख्या बढ़ने पर लगातार आकार भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वर्ग में आकार समानुपाती होता है किसके, कोसों की संख्या के, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोसों की संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती है। कोसों की संख्या बढ़ेगी तो आकार भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ अपवाद आते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपवादों में बात की जाए तो पी ब्लॉक में बात करें तो पी ब्लॉक क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ तो कोसों की संख्या क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। कोसों की संख्या बढ़ेगी तो आकार लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। यानी बोरोन से एल्यूमिनियम पर आकार क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें दो अपवाद आते हैं, एक एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार लगभग क्या हो जाता है, समान। क्यों होता है, संक्रमण संकुचन का, संक्रमण से। फिर और इंडियम और थेलियम का आकार भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। एक ऐसे ही ध्यान रखना है, सिलिकन और जर्मेनियम का आकार भी क्या होता है दोस्तों, लगातार समान होता है। यही अपवाद है, इसके अलावा और कोई अपवाद नहीं है। यानी कि आलू और गाजर समान हो गया और थैला, इन थैला क्या हो गया, समान हो गया। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले अपन ने बात की थी आवर्त में, तो आवर्त में जो आकार था वो किसके व्युत्क्रम पर होता है, जेड इफेक्ट के। तो आवर्त में हमेशा चला जाता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार लगातार क्या हो रहा था, घट रहा था, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा था। लेकिन वहाँ एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि अक्रिय गैसों का आकार अपने आवर्त में क्या होता है, सर्वाधिक होता है, उसका रीजन है वान डर वाल त्रिज्या। जबकि वर्ग में बात की जाए तो वर्ग में जो आकार है, वर्ग में जो आकार है वो कोसों की संख्या पर निर्भर करता है, और वर्ग में कोसों की संख्या की बात की जाए तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार क्या होती है, बढ़ती है। जब कोसों की संख्या लगातार बढ़ेगी तो आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। दो अपवाद थे जो मैंने बता दिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम का आकार भी लगभग समान होता है संक्रमण संकुचन के कारण, और एल्यूमिनियम गैलियम का आकार समान होगा, और इंडियम और थेलियम का आकार भी क्या होगा, समान। इसी के साथ में इसी टॉपिक में अपन एक छोटा सा डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक के लिए। अगर डी ब्लॉक के लिए डिस्कस किया जाए तो डी ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों कि अपन एक केवल एक सीरीज की बात करेंगे, 3D सीरीज की, और 3D सीरीज में आता है साइंस, टीचर, विनीता, ये ट्रिक थी इसकी, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ट्रिक बता देता हूँ मैं फिर से, साइंस, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन फेंकोनी, क्यों जान जलाती हो। साइंस, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन फेंकोनी, क्यों जान जलाती हो।
अब इसके अंदर बात की जाए तो वही अपन कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखने वाले, पहले लगातार आकार घटता है, फिर आकार लगभग समान होता है और पुनः आकार बढ़ने लग जाता है। होता क्या है बता देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज तक, यानी आयरन आ गया, आयरन तक लगातार आकार क्या होगा, घटेगा। फिर इसका आकार लगभग क्या हो जाएगा, दोनों का फेकोनी का आकार लगभग क्या होगा, समान, और कॉपर और जिंक में आकार पुनः बढ़ने लग जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले आकार आयरन तक लगातार घटता है, फेकोनी का आकार समान हो जाता है और कॉपर और जिंक में आकार बढ़ने लग जाएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये आकार लगभग समान क्यों होगा, तो केवल मैं यहीं के लिए बात कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि आकार बढ़ता क्यों है या समान क्यों हो जाता है, उसका रीजन है परिरक्षण प्रभाव। अब यहाँ परिरक्षण प्रभाव का क्या रोल है वो भी समझा देता हूँ हल्का सा। क्या होता है कि दोस्तों अपने पास में इसका विन्यास जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है N-1D और क्या होता है NS, ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, बाह्यतम कोष है, ये इनर मोस्ट सेल हो गया, यानी कि आंतरिक कोष हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स एस फुलफिल्ड हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां आते रहेंगे, डी में आते रहेंगे, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इजी वे में फुलफिल्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्या होता है, रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो पहले आकार क्या हो रहा था कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब प्रोटॉन संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को एक अपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो ये हो रहा था, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या होने लग गया, रिपल्सन होने लग गया। तो रिपल्सन के कारण वो एक दूसरे दूर जाने लग गए और दूर जाने के कारण से आकार क्या हो जाता है, पहले समान होता है और फिर बढ़ने लग जाएगा। ऐसा ही सेम होता है इसके वर्ग में। ये तो आवर्त में बात हो गई डी ब्लॉक के, वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में क्या होता है कि 3D, 4D और 5D। 3D से 4D जाने पे आकार बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D जाने पे आकार लमसम क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। 3D से 4D आ रहे, रीजन वो ही रहेगा, कोषों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन 4D से 5D जाने पर क्या होता है कि कोषों की संख्या तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ सेल के साथ साथ जेड इफेक्ट मोर इंक्रीज होता है, ये कम बढ़ता है, ये ज्यादा बढ़ता है, दोनों क्या कर लेते हैं, ईच अदर आर बैलेंस्ड, यानी कि नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं लेकिन जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो एक लगभग आकार क्या होता है, समान। अब लोगों के पास में कन्फ्यूजन आता है कि सर ये दोनों कैसे बढ़ रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, 4D से 5D जाएंगे यानी 5 से 6 कोष में जाएंगे तो कोष तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि 5D से पहले, इससे पहले अपने पास में 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं किसके, ए ब्लॉक के, बताया था ना लेंथेनम के बाद में ए ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स आ जाते हैं ना, तो लेंथेनाइट्स 14 लेंथेनाइट तत्व आ गए, तो उसके कारण क्या होता है कि जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने की वजह से इनके आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, लेकिन ये जो मेथड है ये अप्लाई नहीं होता है 3B पे, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज़ 3B पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्कैंडियम, येट्रमियम, लेंथेनम और एक्टिनम, ये अपने पास 3D हो गया, ये 4D हो गया, ये 5D हो गया, ये 6D हो गया, यहाँ लगातार आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि लेंथेनाइट तत्व किसके बाद में आते हैं, लेंथेनम के बाद में, अतः लेंथेनम के बाद में आ रहे हैं ना कि लेंथेनम से पहले, तो ये चीज़ लेंथेनम पे अप्लाई नहीं होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आकार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगातार आकार क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, इसके बाद में आकार क्या हो जाता है, लगभग समान हो जाता है 4D और 5D। जैसे कई बार पूछ लेते हैं जर्कोनियम ऑफनियम का आकार लगभग समान होता है, क्यों,
तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो अपन ने सबसे पहले तुलना की थी आवर्त में, उसके बाद तुलना की वर्ग में। अब जो तीसरी चीज़ आती है अपने पास में वो है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तीसरी तुलना करते हैं अपन सम इलेक्ट्रॉनिक में। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कुछ भी नहीं है, आकार जो है वो समानुपाती होगा ऋणावेश के और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, धनावेश के, और बीच में कौन आ जाएगा, उदासीन आ जाएंगे। यानी कि आकार जो है वो समानुपाती होता है ऋणावेश के और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, धनावेश के, और बीच में कौन आ जाते हैं, उदासीन आएंगे ना। बीच में तो आज की दुनिया है, लोग वाग टांग फांसने आ ही जाते हैं बीच में, तो ये उदासीन आ गया। जैसे एग्जाम्पल अपन बात करें C4- N3- O2- F- नियोन Na+ Mg2+ Al3+। बात की इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इसका परमाणु क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो बात की जाए जितना इनका परमाणु क्रमांक है, उदासीन परमाणु में तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आवेशित में क्या होगा, ऋणावेश में, परमाणु क्रमांक में जितना आवेश आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए जाएंगे, ऐड, और धनावेश आ रहा है तो क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। यानी कि 6 में 4 जुड़ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। 8 और 2 10, 9 और 1 10। अब यहाँ पे 10 के 10 ही हैं। अब यहाँ धनावेश आ रहा है, 11 से 1 निकल गए कितने हो गए, 10। 12 से 2 निकल गए कितने हो गए, 10। 13 से 3 निकल गए कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये क्या सारे सारे क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो इनमें क्या है कि आकार जो है वो किसके समानुपाती है, ऋणावेश के, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, धनावेश के। तो इधर की ओर जाने पर लगातार धनावेश क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट जाने पर लगातार धनावेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धनावेश क्या हो रहा है, बढ़, इसमें माइनस का 4 था, इसका माइनस का 3 है, तो यानी धनावेश बढ़ा है, तो लगातार आकार भी क्या होगा, घटेगा। धनावेश बढ़ रहा है ना, तो लगातार आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। ये एक एग्जाम्पल शायद 2S18 या 2S17 के लगभग इसको पूछा गया था जेट के एग्जाम में। जेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे पुटअप हुआ था, 2018 में आया था शायद। तो दोस्तों ये था अपने पास में आकार की बात कर रहे थे। तो अपन ने पहले तुलना की अपन ने किसमें, आवर्त में, उसके बाद तुलना की किसमें, वर्ग में, उसके बाद तुलना की किसमें, सम इलेक्ट्रॉनिक में। अब एक छोटी सी चीज और रह गई, वो है अपने पास में एस ब्लॉक में तत्वों के आकार की तुलना। तो वो चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं। एस ब्लॉक में तत्वों के आकार की तुलना की जाए तो अपने पास में सीधी सी बात है, एक होता है फर्स्ट है और एक होता है सेकंड है। फर्स्ट है में अपने पास एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, जबकि इसमें कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर दोस्तों अपन बात करें तो मैंने कहा था ये दोनों एक ही आवर्त के तत्व हैं, सेकेंड आवर्त में आ रहे हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार क्या होता है, घटता है, यानी कि बेरिलियम से बड़ा किसका हो गया, लिथियम का, सही बात है। ऐसे ही मैग्नीशियम से बड़ा किसका होगा, सोडियम का होगा। लेकिन अब बात की जाए कि सर मैग्नीशियम बड़ा सोडियम हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब लिथियम से जस्ट बड़ा कौन होगा, तो लिथियम से जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा अपने पास में, मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर सोडियम से बड़ा कौन हो जाएगा, कैल्शियम। अब एक अपवाद स्वरूप ये क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम का हो जाता है, स्ट्रोंशियम बड़ा बेरियम का, जबकि होना किसका चाहिए था, पोटेशियम। इसके बाद में कौन आता है, पोटेशियम, फिर कौन आता है, रूबिडियम, फिर कौन आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करें तो अपने पास क्रम क्या बन गया, सबसे छोटा बेरिलियम, इससे बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम बड़ा रूबिडियम, और रूबिडियम से बड़ा किसका, सीजियम। जो आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम साइज इन
पीटी यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सीजियम का। अगर ये चीज़ याद रहती है, कई बच्चों को ये याद रहता है तो ठीक है, कई अगर ये क्रम याद कर सकते हैं तो भी ठीक है। लेकिन बात की जाए कि सर ये इतना कंफ्यूजिंग चीज़ है, कोई ट्रिक व्रिक, तो मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, देखो अपन इसको देखें आ रहा है इजी वे में, तो यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है? एक एम बन रहा है, अरे हाँ है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो उसके साथ में क्या बन रहा है अपने पास में? एन बन रहा है। और ये क्या हो गया? एम और एन, इसको कहते हैं अपन मन। क्या कहते हैं? मन। और आप जानते हो मोदी जी आजकल मन की बातें बहुत करते हैं, भला आदमी है मोदी जी, बहुत मन की बातें करते हैं। आइए मन की बात करते हैं, तो अपन भी किसकी बात कर लेंगे? मन की। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, मन में जो स्टार्ट है, एम जो स्टार्ट होगा, आपको एक तो एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके सेट करना है, और दूसरा स्टार्ट जो करना है वो कहाँ से करना है? बेरिलियम से करना है। बेरिलियम से किसके पास ले जाओ? लीथियम। लीथियम से अपने आप ऑटोमेटिक एम बन जाएगा, और ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? एन। केवल एक एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना आना चाहिए। जैसे अब की बार भी शायद क्वेश्चन आया था, यहाँ किसका आकार न्यूनतम होगा, एस ब्लॉक में किसका आकार न्यूनतम होगा, या ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया था, तो आंसर क्या जाएगा इसका? बेरिलियम। ये जेड 2S19 2019 में पूछा गया था किसका आकार न्यूनतम होगा, और उसका आंसर गया था क्या? बेरिलियम गया था। तो ध्यान रखना है एस ब्लॉक में सबसे छोटा आकार किसका होता है? बेरिलियम का होता है, और सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सीजियम का होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों।